मामला ये है कि जैसे बस उधर से लेके आए थे, ओवरटेक कर रहे थे, जी वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिए हैं। भैया देखा ये स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग अगर फेल हुई तो भैया पहिया पहिया कुछ हलचल बा भैया देखो। बस एकाएक मतलब कि लगा कि फिल्मी स्टाइल में बस सीधे जाके झाड़ी में दबा गई। एक गाड़ी था जो ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक की वजह से नीचे चले गए। लेकिन वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि दो बच्चे, नहीं नहीं पांच बच्चे। अच्छा पांच बच्चों, सब बच्चों को निकाला गया। 10-12 बच्चों को सर में चोट लगा था, किसी के हाथ में चोट लगा था, किसी का यहाँ पड़ गया था, किसी का जबड़ा कट गया था, और पांच बच्चे ऑन स्पॉट मर गए थे। अच्छा रास्ते पे निकाल के सुलाया गया था। अच्छा भैया अभी तक हम विद्यालय के व्यवस्था देखौली, विद्यालय के सामने लोग सिकरीगंज गोरखपुर मार्ग पे कोने तरीके से धरना प्रदर्शन करता ना हम, और आज पहुंच गई बाटी अब घटना स्थल पे। घटना स्थल पे पहुंचल बाटी वह बस जो ने बस पे बच्चे सवार रहना हुआ और सवार होके घर से सर संवर के अपने विद्यालय के जाता ना, और विद्यालय के ही 100 मीटर की दूरी पे, अभी विद्यालय से 100 मीटर पहले ही जैसे ही बस पहुंची कि बस खाई में गिर गई, और इसमें लगभग दो बच्चे बता रहे हैं कि लोग घटना स्थल पे उनकी मौत हो चुकी थी, और दो बच्चे अस्पताल में उनकी मौत हो गई, और एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हैं। भैया विद्यालय आप देखते नहीं, यूएस सेंट्रल एकेडमी सिकरीगंज ये विद्यालय बा, और सिकरीगंज से जो बस का जो रूट है ये कहाँ कहाँ से बच्चों को बैठाई है और कहाँ से उसके बाद लेके जा रही है, आपको बता रहे हैं कि रूट है रघुपुर नारायणपुर सहुआ महादेवा बाजार होते हुए बच्चों को लेकर के यह ड्राइवर निकला वहां से, और जैसे ही विद्यालय से 100 मीटर पहले सिकरीगंज मार्ग पे गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग पे पहुंचा कि एकाएक खाई में गिर गया, और जिससे दो बच्चे की घटनास्थल पे मौत हो जाती है, और दो बच्चे अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है, और दर्जन भर बच्चे घायल हो जाते हैं, जिसे लेकर के यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए ना, और गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग के जाम कर देना, और अपने मांग के लेकर के कुछ मांग बा बच्चन के परिजन के एवं 6 सूत्री मांग के लेकर के लोग प्रदर्शन करता ना हमें जोने से लेकर के आपके बतावता नहीं कि पूरे महकमा एकदम हलचल में आ गए, और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जब अना और इस सूत्री मांग के परिजन के पढ़ के सुनौला, और डीएम साहब से भी बात कहना, तब जाकर के धरना समाप्त भैल और आवागमन जो बाधित रहा है वो फिर से शुरू कह गए। एमन कहा लोग कहले बाटे कि जो बस का ड्राइवर रहा है, बस के ड्राइवर के ऊपर हत्या का गंभीर जैसा मुकदमा दर्ज होगा, और जो विद्यालय प्रबंधक के प्रबंधक है प्रधानाचार्य है उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, और जो बच्चे जिन बच्चों की मौत हुई है उन बच्चों को 50-50 लाख सरकार मुआवजा दे, और जो बच्चे घायल हैं उन बच्चों की दवा इलाज कराए, और 10 लाख का मुआवजा उनके परिजनों को दे। यही सब को लेकर के वहां परिजन आज सिकरीगंज मार्ग पे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और पूरे तरीके से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे, जिससे क्षेत्रीय विधायक श्री राम चौहान जब मौके पर आते हैं परिजनों को समझाते हैं, समझा बुझा करके जो उनकी 6 सूत्री मांग होती है उस मांग को डीएम को सुनाते हैं पढ़कर। जब डीएम साहब ने कहा कि इन लोगों की मांग को पूरी की जाएगी, उसके बाद से आवागमन शुरू भेल, और यहाँ के कुछ लोग बात है इन लोग से जानकारी ले। नमस्कार। नमस्कार। खराब थी है, बहुत स्थिति खराब थी। अब तो जिसके घर के बच्चे जले देहांत होगा ना उसकी हाल जानेंगे। कितने बच्चे की मौत हुई है आपके अनुसार? लगभग वो 4-5 है। अब देखिए बढ़ भी सकते हैं है। और घायल कितने? घायल तो बहुत ज्यादा हैं भैया। हाँ, अब कौन उसमें गिनेगा? सब लोग अपना बैठा उठा इधर उधर करवा रहे हैं कि बच्चे गिनेगा कोई। यही बात है। तो क्या इस घटना को लेकर के क्षेत्र में क्या चर्चा है? क्षेत्र में चर्चा यही है कि ड्राइवर पी के चला रहे हैं। अच्छे ड्राइवरों को स्कूल प्रबंधक रख ही नहीं पाएगा। 8,000 या 7,000 में कोई ड्राइवरों का पड़ता नहीं गिरेगा। कोई ड्राइवर अच्छे ड्राइवर 7,000 8,000 में चलाएगा ही नहीं। लाइसेंस या कोई कमर्शियल वाहन वाला ड्राइवर 8,000 में इसको छुएगा नहीं। भैया हो यहाँ के लोग बतावत आते कि जो विद्यालय प्रबंधक के लोग हैं उनको फ्री में ड्राइवर चाहिए, फ्री में ड्राइवर चाहिए, इसलिए इस तरह की घटना हो रही है, और लोग बता रहे हैं कि जब तक विद्यालय प्रबंधक के लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये खचारे जो बसे हैं कबाड़े बसे हैं इन बसों के बंद नहीं कराया जाएगा तो लगातार इस तरह की घटना होती रहेगी। अगर आप देख सकते हैं कि जहां पे हम मौजूद हैं और वहां पे दिखा रहे एक और भी एक कार यहां पे कबाड़ा पड़ी हुई है, ये भी लगती है
एक्सीडेंट में आया था, ये भी दुर्घटना ग्रस्त है। कितने लोग? 3 लोग मर चुके हैं। यही जगह? यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग। ये कहाँ के लोग थे? ये बाहर के कोई थे, बाहर के। 4 लोग लगभग लगभग बदमाश थे। हाँ हाँ, 4 लोग मरे थे। 4 लोग। अच्छा, क्या कहते हैं जो ये घटना हुई इस बस, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? ये जिसका मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई करा जाए। ज्यादा पुरानी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत पुरानी बसें हैं, और भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो यह दुर्घटना ये बस के द्वारा हुआ है, वो बस का जो हैंडल होती है, स्टीयरिंग होती है, वो फेल हो गई है। मैं आप लोगों को, इतने लोग हैं, मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ। भैया के खोला तक पकड़ ले, घाव लग जाए हमें, और आपको दिखावा चाहती। भैया देखा, ये स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग अगर फेल हो तो भैया पहिया पहिया कुछ हलचल बा। भैया देखो, कर रहे हैं ना, स्टीयरिंग फेल नहीं है, यहाँ पे स्टीयरिंग फेल नहीं हुई, क्योंकि अगर स्टीयरिंग फेल होती तो शायद पहिया स्टीयरिंग मोड़ने पर पहिया मुड़ती नहीं। और आपको बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ के लोग, जितना भी बच्चे यहाँ पे घायल हुए हैं, उन बच्चे के परिवार के करीब 10 लाख रुपए हमन लोग मांग पत्र में लिखले बाटे। 10 लाख रुपया उन परिवार के मिले के चाहिए, और उनका दवाई हुए के चाहिए। भैया स्कूली बस का जो दुर्घटना भइल बा, वही घटना स्थल पे बाटी। एक भैया बाटे यही बगल में, वो अपने खेत पे सिंचाई करता ना वहाँ, और ओकरे बाद जैसे ही बस खाई में गिरल, आवाज के लिए लोग भी दौड़ के। भैया कैसे, क्या पूरा मामला था यहाँ पे? यहाँ पे भैया मामला ये है कि जैसे बस उधर से लेके आ रहे थे, ओवरटेक कर रहे थे, वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिए, गाड़ी अंदर तक गई, उसमें बच्चे थे। करीब कितने बच्चे थे भैया उसमें? कम से कम भैया बच्चे थे होंगे 60-65 बच्चे, और 5 बच्चे आज निष्पाट ही मर गए थे। अच्छा, आप लोग के सामने? हम लोग के सामने ही, हम लोग निकाला गया। लेकिन वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चे? नहीं नहीं, 5 बच्चे। अच्छा, 5 बच्चों, सब बच्चों को निकाला गया। 10-12 बच्चों को सर में चोट लगा था, किसी के हाथ में चोट लगा था, किसी का यहाँ पड़ गया था, किसी का जबड़ा कट गया था, और 5 बच्चे अनस्पॉट मर गए थे। अच्छा, रास्ते पे निकाल के सुलाया गया था। अच्छा, तो प्रशासन के लोग आए? तो प्रशासन के लोग बहुत बाद में आए, पहले गांव के ही लोग आए थे, अगल बगल के ही लोग। अच्छा, हाँ, प्रशासन 15-20 मिनट में आई। कहाँ मकान पड़ेगा सर आपका? बड़गो बसवारी गाँव। अच्छा, नदी उस पार। अच्छा, तो यहाँ पे सिंचाई कर रहे थे आप? यहाँ पे ये जो रास्ता बना है, 6 लेन जो खनन चल रही है, उसी के रास्ते हम लोग पास में ही थे, तुरंत इसी रास्ते चले आए। यहाँ पे भैया देखिए कि लोग अपने खेत पे सिंचाई करता ना, लोग बतावत आता कि और कोने तरीके से यहाँ पे दुर्घटना भइल, और ये बता रहे हैं कि भैया कि कितने बच्चे मौके पर मर गए, और कितने हॉस्पिटल में गए, और कितने लोग की अभी इलाज चल रही है, सब कुछ आप लोगों ने जुबानी सुना। जो बहुत दुखद घटना है, किस तरह की घटना हुई? कुछ लोग थे जो देखने वाले देखे, बहुत मतलब फिल्मी स्टाइल में बस के ब्रेक की जगह स्टीयरिंग दबा गया है, बस उछल कर सीधे खाई में चली गई है, और इतनी छोटी सी जगह है जिसमें कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो एरिया में मतलब कि सबसे महंगी स्कूल है, लेकिन व्यवस्था नाम का जो कुछ भी नहीं है, बहुत महंगी स्कूल है। हाँ, कितना फीस है लगभग? मेरे ख्याल से छोटे बच्चों का 7,000 से 10,000 के आसपास महीना पड़ जाता है। और ये किराया कितना है? ये तो मुझे नहीं मालूम भैया। हो ये छोटे बच्चों का 8-10 हजार रुपया फीस है, और क्षेत्र का यूएस सेंट्रल एकेडमी सबसे महंगा विद्यालय है, और इस विद्यालय में बड़े से बड़े लोग ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जितने बच्चे अपने आज जो सोचे होंगे उनकी माँ बाप की, हम बच्चे को नहला धुला करके सप्ला करके विद्यालय भेज रहे हैं, क्या पता वो शाम तक घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। पूरे घटने को आप देखिए, और बने रहे चैनल के साथ।